राजस्थान शिक्षक संघ शिक्षक एवं पंचायती राज के प्रदेश मंत्री प्रकाश विश्नोई ने रिपोर्ट में लिखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के निर्देशानुसार भ्रष्टाचार में उच्च अधिकारियों की शिकायत करने वाले विहिलेसर्स को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाए जाने कानून स्वय संगत है। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री महोदय एवं कैबिनेट मंत्री जन अभियोग निराकरण को ज्ञापन प्रारूप में भ्रष्टाचार की शिकायत से खफा होकर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महोदय ने मुझे निलंबित करके मुख्यालय सीबीईओ कार्यालय पोखरण कर मुझे एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी को इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ बहुत बड़े भ्रष्टाचार में अकृत संपत्ति की शिकायत के स्वयं के लिए खतरा बताया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जैसलमेर में बीकानेर सैन्य निदेशक महोदय के नजदीकी भीषण कुमार महर्षि की उक्त शनिवार को राज्य सरकार के 5-day week आदेश के तारवा एक COVID-19 के निर्देशानुसार कार्यालय बंद रहती है, फिर भी भीष्म कुमार महर्षि आदि 3 लोग शनिवार को बिना जिला प्रशासन एवं SEBI सूचना कार्यालय खोलकर बैठे रहे और 2-3 लोगों को बिना समक्ष की लिखित अनुमति के नाचना आदि राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा के प्रतिबंधित क्षेत्र में घूमे हैं। पूर्व में भी शिक्षा निदेशक महोदय ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप तू किस स्कूल में पोस्टेड है मैसेज कर अपने इरादे जता चुके हैं। यह सामान्य घटना किसी बड़े घोटाले में फंसे अधिकारी की बौखलाहट और रास्ते में किसी प्रकार के हटाने की साजिश कर सकती है, जिससे लिखा था कि सौरभ स्वामी ने बीकानेर में अंकुत संपत्ति अर्जित करके अपने ससुराल पक्ष और रिश्तेदारों के नाम कर रखी है। आपको बहुत खरा खोचा सुनाया है। साथ ही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सांकड़ा पोखरण महिता साहब ने सोमवार 8 फरवरी 2021 को एक नोटिस को आधार बनाकर खतरे की आशंका जाहिर की। शिक्षक नेता पुलिस अधीक्षक को यह बात समझाने में सफल रहे कि नोटिस को 9:30 से 6 PM तक 9:30 से 6 PM तक हमेशा कार्यालय परिसर में रहना पाबंद किया गया था। इसी के साथ इस स्थिति को गंभीर बनाते हुए पुलिस अधीक्षक ने जांच SHO पोखरण को सौंपी है एवं कर्मचारी नेता ने अपील की कि मैं विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा जोधपुर से हूं, मेरे विधायक महोदय के पास राज्य सरकार का गुरु दायित्व है, वे मुख्यमंत्री गृह मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और हर बात उस पटल करना संभव नहीं है। वर्तमान में मेरे संरक्षक पुलिस अधीक्षक जैसलमेरी है। विश्नोई ने मीडिया को बताया कि निदेशक महोदय ने राष्ट्र निर्माताओं का विभागीय जांच के नाम पर खून चूसना है। मैं उन 4 लाख राष्ट्र निर्माता बहन भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ जो अब समय आ गया है। SOG जांच होते ही शिक्षा विभाग के इतिहास का सबसे बड़ा निंदनीय घोटाले का पर्दाफाश होगा। मैं न्याय लेकर रहूंगा या न्याय की कोशिश में बलिदान दे दूंगा। मुख्यमंत्री महोदय की भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की मुहिम का मैं मील का पत्थर भरूंगा। सादर प्रकाशार्थ प्रकाश विश्नोई, प्रदेश मंत्री, राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ। मैंने आज सौरभ स्वामी IAS करनाल हरियाणा आली निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के खिलाफ पुलिस अधीक्षक जैसलमेर से अजय सिंह जिसे मिलकर के परिवाद दर्ज कराया है कि मुझे सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। मैंने जो बीकानेर निदेशालय में विभागीय जांच को लेकर के जो घोटाले चल रहे हैं उनको लेकर के मैंने मुख्यमंत्री महोदय से और जिला कलेक्टर के मार्फत SOG जांच की मांग की है। उनसे श्री सौरभ स्वामी साहब बौखला गए हैं और मेरे खिलाफ कई तरह की साजिशों के समाचार मिले हैं। मुझे किसने व्हाट्सएप पर भी बताया, उनको लेकर के मैंने मेरे तथ्य आज लीगली तथ्य पेश किया है SP साहब को और इनकी जांच की जाए। उन्होंने 3-4 आदमियों को भेजे हैं जो कुछ यहाँ DO ऑफिस में आए हैं, कुछ नाचना आदि क्षेत्रों में भी घूमे हैं जो प्रतिबंधित क्षेत्र है। जैसलमेर जिले में से पूर्व लीगली आपको परमिटेड लेनी पड़ती है। उन परमिटेड को लेकर के मैं RTO लगाऊंगा कि किन की परमिट से 6 तारीख को कौन कौन से लोग आए हैं और इनकी सभी जांच की सुरक्षा के लिए मैं विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा से हूँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी ये निवेदन रहेगा कि मेरी सुरक्षा को लेकर के थोड़ी गंभीरता बरती जाए। प्रकाश विश्नोई, प्रदेश मंत्री, राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ, जिला मंत्री, अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ, जिला जैसलमेर।